बिसमीम अजीज़ तोल्बाई आज हम चैप्टर नंबर टू जो है थेरी ऑफ कोआेट इक्वेशन तो इस हवाले से एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम ए, क्यूब रूट्स जो है वो फ़ाइंड करना सीखेंगे ए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड अदर नंबर्स तो इससे पहले जो इस चैप्टर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं वो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो पढ़ चुके हैं उम्मीद है कि आपने वो जो है वो अंडरस्टैंड uh, कर लिए होंगे और उनकी भरपूर तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर ली होगी तो आज हम चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसकी तरफ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमारा क्वेश्चन uh, जो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इस शेप में ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूनिटी मीन वन यूनिटी का क्या मतलब होगा वन यानी वन के जो है वो क्यूब रूट्स कौन से होते हैं ये हमने फाइंड करने हैं तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्यूब रूट जो है इसके क्या मीनिंग है यूनिटी का मतलब तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है तो क्यूब रूट से क्या मराद है तो इसके लिए जो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है तो वो बेसिकली इसमें आपको अमेजनिंग नंबर या कम्प्लेक्स नंबर का भी जिक्र आएगा इसमें क्वाड्रेटिक uh, फार्मूला भी हम इसमें यूज़ करेंगे इसके अलावा ये अलजब्रे का एक फार्मूला है ये भी यूज़ करेंगे डिटेल इसकी मैं बताऊँगा जब हम इसको यूज़ करेंगे इसके अलावा स्के रूट डायरेक्टली तो यहाँ पर यूज़ नहीं होना लेकिन क्यूब uh, रूट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्यूब और स्के रूट जो है ये टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की है तो बेसिकली स्के रूट जो है वो आप अक्सर छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं तो स्के रूट जो है वो फर्को थर्टी सिक्स है तो इसका स्केयर रूट कितना होगा सिक्स होगा तो स्केय रूट के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है या इसको हम आ, अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो फिर भी इसका यही मतलब होगा तो स्केय रूट की पावर स्केय रूट जो है वो किसके इक्वल है वन ओवर टू पावर जो है इसके इक्वल होता है तो स्केय रूट जो है इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है इस फॉर्म में भी लिखा जाता है अब क्यूब रूट से क्या मराद है क्यूब रूट रहा ये कि इसका जो इंडेक्स है वो थ्री होगा यानी एक्स तो ये इंडेक्स जो है वो इसका थ्री होगा तो इसको हम क्यूब रूट का नाम देते हैं क्यूब रूट तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या इसकी जगह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो इसको इस तरह में लिखा जा सकता है यानी ये थ्री है तो वन ओवर थ्री और अगर सिर्फ सिंपल स्केर रूट हो स्केय रूट का मतलब होता है यहाँ पे टू है लेकिन वो अंडरस्टूड स्टूडेड टू है वो लिखा नहीं जाता तो स्केय रूट का मतलब यहाँ पे इंडेक्स टू होता है तो हम इसको वन ओवर टू लिख लेते हैं लेकिन अगर टू ना भी लिखा तो ये अंडरस्टूड है कि ये स्केय रूट है और इसका इंडेक्स जो है वो टू होगा टू के अलावा जो भी होगा वो लाजमी लिखेंगे यहाँ पर तो ये क्यूब रूट के बारे में भी मैंने बता दिया आपको क्यूब रूट जो है वो असल में क्या चीज़ है उसके बाद क्यूब तो क्यूब का यहाँ पे शायद जिक्र तो ना आए लेकिन इसको एक्सप्लेन कर ली सिर्फ क्यूब का मतलब होता है कि एक्स की पावर थ्री लेनी है आपने यानी किसी नंबर की अगर पावर थ्री ली जाए तो उसको हम क्यूब कहते हैं और अगर पावर वन ओवर थ्री ली जाए तो वो क्यूब रूट कहलाता है तो अब ये थोड़े से कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने थे इसको मैंने क्लियर कर दिए तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि वन जो है इसके हमने क्यूब रूट मलूम जो करने के वन के क्यूब रूट्स कौन से होते हैं तो लेट कर लेते हैं हम लेट एक्स बी डी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी वन के जो क्यूब रूट हैं वो हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो एक्स है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वन का अगर क्यूब रूट लिया जाए अब वन के क्यूब रूट से क्या मुराद है ये मुराद है इससे कि वन का क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ वन या, या यूनिटी का क्या मतलब कि वन का क्यूब लेना है हमने क्यूब रूट सॉरी तो ये किसके इक्वल हमने फ़र्ज कर लिया एक्स के इक्वल कि वन का जो क्यूब रूट है वो जो भी है वो हमने सपोज कर लिया वो एक्स के इक्वल है तो इसलिए वन का क्यूब रूट जो है वो एक्स के इक्वल ले लिया हमने तो इसकी मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ फर्स्ट फूट एट जो है इसके क्यूब रूट मलूम करने हैं हमने तो हम ऐट को हम लिख सकते हैं वन ओवर थ्री पावर और फिर एट को हम टू की पावर थ्री लिख सकते हैं और एक बेस की दो पावर्स हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा तो टू आ जाएगा इट मीन्स कि एट का जो क्यूब रूट है वो क्या है टू है यानी एट का क्यूब रूट टू निकला यहाँ पे अब यहाँ पे हमने एक नंबर दिया था तो हमने इसको फाइंड कर लिया इसका क्यूब रूट जो है टू है अगर सपोज कि हमें ऐट का क्यूब रूट नहीं पता तो हम थोड़ी देर के लिए इसको सपोज कर सकते हैं कि वो एक्स है यानी एट का क्यूब रूट किसके इक्वल होगा एक्स के इक्वल होगा इसी तरह अब हमने यूनिटी यानी वन का क्यूब रूट मालूम करना है तो फिर उसके लिए क्या किया इस फॉर्म में लिख के हम x लिख लेंगे यानी ये रूट अगर हमें मालूम नहीं है तो हम x जो है वो सपोज कर लेंगे तो इस हवाले से हमने लेट कर लिया कि x जो यूनिटी का क्यूब रूट है वो x है तो वन का क्यूब रूट किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे पास एक रिलेशन है इसको लेके हमने चलना है तो एक दो स्टेप के बाद इंशाल्लाह आपको महसूस ऐसे होगा जैसे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ये स्टार्ट थोड़ा सा था इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे मैंने इधर बताया था कि क्यूब रूट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अच्छा अब ये पावर अगर हमें ख़त्म करनी है तो टेकिंग क्यूब ऑन बहुत साइड टेकिंग क्यूब ऑन बहुत साइड ये पावर वन और थ्री ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे इधर भी पावर थ्री लेंगे और इधर भी पावर थ्री लेंगे यानी इधर भी पावर थ्री ली और वन की पावर वन ओवर थ्री तो यहाँ पे भी पावर जो है वो वन ओवर थ्री सॉरी क्यूब लेना है क्यूब लेना है क्यूब रूट नहीं लेना थ्री पावर लेंगे अब मैंने यहाँ पे भी पावर थ्री ले ली लेफ्ट साइड पे भी और राइट right साइड पे पावर थ्री ले ली ये जो स्टेप मैंने किया है अब एक्स की पावर थ्री आ जाएगा ये इक्वल टू ये थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा तो वन बच जाएगा तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वन आ जाएगा अब वन जो है इसको इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा माइनस वन इजिकल टू ज़ीरो अब देखें हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है चूँकि पावर थ्री है तो ये क्वाड्रेटिक की बजाय क्यूबिक पोलिनोमियल इसमें बढ़ रही कि पावर जब थ्री आ जाए डिग्री तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल का नाम हम देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे करना है तो इसके लिए एक फार्मूला जो है वो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी यानी जो भी इधर फर्स्ट टर्म होगी वो माइनस सेकंड टर्म और फिर उसके बाद जो टर्म इधर होगी उसका स्केयर और जो टर्म ये है इसका स्केयर और दरमियान में क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और एक बात याद रखें कि अगर यहाँ पे माइनस है या इधर माइनस है तो प्रोडक्ट हमेशा प्लस का होगा और अगर इधर प्लस आ जाए इधर प्लस आ जाए तो फिर प्रोडक्ट हमेशा माइनस का आएगा ये दोनों टर्म हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी इसका दूसरा फार्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ वो भी किसी क्वेश्चन में यूज़ होगा ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी तो इसी टाइप का दूसरा जो क्वेश्चन है अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ हो ए क्यू प्लस बी क्यूब तो जो टर्म टर्म्स हैं वो उसी तरह आएंगी जैसे ए माइनस बी है तो इधर ए प्लस बी आ जाएगा अगर प्लस है तो प्लस अगर ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केर ए बी ए बी तो टर्मिनोलॉजी वही है सिर्फ साइन का डिफरेंस है अगर माइनस है इधर माइनस है तो प्रोडक्ट प्लस का होगा और ये स्केयर वाली टर्म पॉजिटिव होंगी और इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और दोनों ये पॉजिटिव हो जाएंगे यानी सिर्फ ए बी प्लस का है और माइनस का ये डिफरेंस है बाकी जो स्केर वाली टर्म है वो हमेशा ही पॉजिटिव होंगी तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मुमकिन है कि ये क्वेश्चन भी फार्मूला भी यूज़ हो तो अब इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस वन का क्यूब अब ये फैक्टराइजेशन आपने नाइन्थ क्लास में गल फाइव पॉइंट टू में ये पढ़ी हुई है के क्यूब दो टर्म का क्यूब हो माइनस हो तो उसकी फैक्ट्राइजेशन कैसी होती है तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया अब हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन ये चीज़ अगर दो क्यूब की तरफ माइनस हो तो ए माइनस बी फिर आगे फर्स्ट टर्म का स्केयर अब फर्स्ट टर्म क्या है एक्स तो एक्स का स्केयर आ जाएगा माइनस सॉरी ये माइनस है तो प्रोडक्ट प्लस का आ जाएगा अब अगला स्टेप कौन सा है प्लस ए बी तो एक्स ए और बी से हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म एक्स है और सेकंड टर्म हमारी वन है तो वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स आ जाएगा और फिर तीसरी टर्म क्या होगी यानी जो बी है सेकंड टर्म उसका स्केयर तो यहाँ पर सेकेंड टर्म वन है तो वन का स्केयर वन ही हो जाएगा तो अब ये हमने इसकी फैक्ट्राइजेशन कर ली नाइन्थ क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है आपने तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है इट मीन्स कि या ये फैक्टर ज़ीरो है या ये फैक्टर जीरो है तो x माइनस वन इजिकल टू तो ज़ीरो और एक्स स्केर प्लस एक्स प्लस वन इजिकल टू तो ज़ीरो अच्छा अब एक्चुअल हमने करना क्या है कि हमने लेट किया है इसका जो क्यूब रूट एक्स तो एक्स की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है तो एक्स की एक वैल्यू तो यहाँ से निकल आएगी माइनस वन हो तो जाके प्लस वन हो जाएगा अब देखो एक्स की वैल्यू वन निकल आई इसका मतलब जो इसके क्यूब रूट है ना वो मुमकिन है एक से ज़्यादा निकलें तो उनमें से एक हमने फाइंड कर लिया है कि इसका पहला क्यूब रूट कौन सा है वन है अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यूज़ निकलेंगी क्योंकि ये कॉर्डेट इक्वेशन आ गई आपके पास पावर टू है तो, तो अब कॉर्डेटिव इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मजीद दो रूट्स और निकलेंगे इसके इसका मतलब कि एक्स की दो वैल्यू यहाँ से आएंगी एक ये आएँगी और ये तीनों क्या होंगे इसके क्यूब रूट्स होंगे तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है नो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इजिकल टू ज़ीरो आप देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना यानी इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अगर आपको याद हो तो ये अब आपका चैप्टर नंबर वन जो है वो स्टार्ट हो यूज़ होगा यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आप उसको किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हो तो बेसिकली आप तीन मेथड से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड कम्प्लीटिंग स्केर मैथड और बाई यूजिंग कॉर्डेटिव फार्मूला अब ये फैक्ट्राइजेशन से तो नहीं हो सकती आप इसको करके देखें फैक्ट्राइ इसके फैक्टर नहीं बनते ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती अगर इसके फैक्ट्राइजेशन हो, होती तो फिर यहीं पर ही कुछ ना कुछ इसका सोलूशन जो है वो निकल आना था लेकिन अब दो फैक्टर निकले तो ये फैक्टर बनने का मतलब ये कि आप मज़दीद इसको फैक्टर नहीं बनाया जा सकते कोई तो फैक्ट्राइजेशन मैथड से ये नहीं होगा तो अब हम इसको कम्प्लीटिंग स्केयर मैथड से आप uh, कर सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि मैंने आपको आखिरी जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो ये है कि आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना वो हर किस्म के क्वेश्चन के लिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फैक्टराइजेशन मेथड से वो सॉल्व हो सके तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट वन एक्स के का कोफिशिएंट वन और सी की वैल्यू वन तो ए बी सी तीनों की वैल्यू वन है आपको ऑर्डेटिक फार्मूला मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये यूज़ होना यहाँ पर तो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए तो माइनस बी की वैल्यू वन प्लस माइनस वन का स्केयर माइनस फोर इंटू वन और सी की वैल्यू वन तो ए और सी तीनों की वैल्यू वन वन है तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने ओवर टू इंटू वन अब माइनस वन प्लस माइनस वन का स्केयर वन आ जाएगा और फोर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस फोर हो जाएगा ओवर टू आ जाएगा अब माइनस वन प्लस माइनस ये माइनस थ्री आ जाएगा तो अभी एक्स की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर लिया है अब मज़ीद इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता चूकि थ्री के फैक्टर नहीं बनते अच्छा तो यहाँ पे एक बात देखें कि ये स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव नेगेटिवसान आया है तो अगर आपको याद हो कि इससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख चुके हैं और उसके रूट्स की नेचर जो है वो भी पढ़ चुके हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स उसके जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं इसका मतलब ये कि ये जो स्केयर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं हम ये जो अंदर वाला पोर्शन है यही डिस्क्रिमिनेंट होता है ना हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है तो इसका मतलब ये स्केयर रूट के अंदर जो चीज़ सॉल्व हो रही है वो आपका डिस्क्रिमिनेट निकल रहा है अलग से अगर निकालना चाहिए तो विदाउट स्के रूट ये माइनस थ्री क्या होगा सिर्फ माइनस थ्री जो है इसका वो डिस्क्रिमिनेट है तो आपने रूल नंबर फोर पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो डिस्क्रमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाए तो फिर उसके रूट्स क्या होते हैं कम्पलेक्स रूट्स होते हैं और वो एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं तो इसका मतलब ये कम्प्लेक्स रूट है ये दोनों ये रियल नंबर रैशनल नंबर या इर रैशनल नंबर में शुमार नहीं होते अब मैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल बता दूँ अगर आप इसको एक स्टेप और आगे करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस ये थ्री इंटू माइनस वन इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें माइनस थ्री ही आ जाएगा उसके बाद माइनस वन प्लस माइनस आप इसका स्केयर रूट अलग कर अलग कर दें इसका स्केयर रूट अलग कर दिए इसका अलग कर दिए माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री और माइनस वन जो है इसका स्केयर रूट किसके इक्वल होता है ये नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा ये है ये एटा माइनस वन का जो स्केयर रूट है वो किसके इक्वल होगा हो, हो एटा के इक्वल होता है तो अगर इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें तो माइनस वन एटा स्केयर आ जाएगा ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस वन इजल टू एटा स्केयर तो एटा स्केयर के लिए ये चीज़ आती है और ये माइनस वन का जो स्केयर रूट है वो एओटा के इक्वल होता है तो नेगेटिव साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे ये एओटा की फॉर्म में इसको एटा पढ़ना आई ओ टी ए तो इसको एटा हम पढ़ेंगे तो ये हमारा जो रूट्स है माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट एटा ओवर टू तो ये एक्स की वैल्यू निकल आई यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं इसको लेकिन चूँकि उस फॉर्म में भी ये यूज़ होना होता है तो इसलिए इसको मजीद भी आप कर सकते हैं तो ये एक्स की दो वैल्यू जो है वो निकल आई एक ये दो उधर वैल्यू निकली एक ये तीन वैल्यू जो है वो निकल आई हैं अगर हम इनको सेपरेट करें तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एटा ओवर टू और दूसरी वैल्यू क्या है एक्स इजिकल टू माइनस वन माइनस अंडरोड थ्री एटा ओवर टू तो इस तरह हमारे पास एक्स की दो वैल्यू जो है वो निकल आई हैं एक ये और एक ये और तीसरी वैल्यू जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ये है तो इसका मतलब कि हमने वन के जो क्यूब रूट थे वो सपोज कर लिए थे एक्स है और आगे चल के हमने देखा कि एक्स की तीन वैल्यू जो है वो निकल आई हैं इसका मतलब ये तीनों एक्स की वैल्यू क्या होंगी वो इस वन के क्यूब रूट होंगे अब नेक्स्ट आप इसको कैसे लिखेंगे ऑफ यूनिटी uh, लिख लें या वन लिख लें यहाँ पे भी आपको लिखा जाए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ वन ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन लिखा जा सकता है अब इसके रूट्स कौन से आए एक वन आया, एक रूट ये निकला है और एक रूट ये निकला है। तो माइनस वन प्लस थ्री एटा ओवर टू और माइनस वन माइनस रूट थ्री एटा ओवर टू तो ये तीन क्यूब रूट्स हमने इसके फाइंड करने थे जो सपोज किए हैं हमने वो तीनों हम फाइंड कर चुके हैं तो ये तीनों रूट्स क्या कहलाएंगे इसके क्यूब रूट्स होंगे ये मजीद इसको अगर हम मैंने पहले बताया कि यहाँ पर यह भी एंड कर सकते हैं आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि प्लस के साथ एक दवा लिख दें एक दवा माइनस अगर उठा के फॉर्म में नहीं लिखना तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी ये भी लिखा जा सकता है वन माइनस वन प्लस माइनस थ्री ओवर टू और तीसरा रूट क्या होगा माइनस वन माइनस माइनस थ्री ओवर टू तो इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं और एटा की फॉर्म में अगर इसको नेगेटिव साइन की सूरत में लिखना है तो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं अब अगर इन रूट्स पे आप गौर करें तो ये रूट इसका जो है वो रियल नंबर है वन जो है वो रियल नंबर है और ये रूट्स दोनों के हैं ये ये अमेजनी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एटा आ जाए या उसके रूट के अंदर माइनस में माइनस वाला साइन आ जाए तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहेंगे अमेजनी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर जो है वो खिलाएंगे तो इसका मतलब कि ये दो रूट इसके अमेजनी नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर और एक रूट जो है वो इसका रियल रूट है इसका रियल नंबर है तो अब नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी भी आगे पढ़ेंगे कि इन रूट्स की प्रॉपर्टी क्या है अच्छा यहाँ पे एक बात और बताता चलो इन रूट्स को एक ख़ास चूँकि ये रूट जैसे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने प्रूव किया था कि एक जर्नल इक्वेशन लेके उसको कॉर्डिटिक कम्प्लीटिंग स्कैन मेथड से सॉल्व किया था और उसके बाद जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो उसको हमने एक कोर्डेटिक फार्मूले का नाम दे दिया था तो यहाँ पे भी ये जो हमारे पास दो वैल्यू आई ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे ये इस चैप्टर में यूज़ होनी है तो यहाँ पर इसका नाम रखना जो है वो ज़रूरी है तो ये इसको वन इस रूट को हम ओमेगा का नाम देंगे और इस रूट को हम ओमेगा स्केयर का नाम देंगे ये लॉज इसको क्या पढ़ना है ओमेगा ये ओमेगा स्केयर यानी इस रूट को न, हम जो पॉजिटिव वाला है इसको ओमेगा कह लें और जो नेगेटिव वाला है उसको ओमेगा स्केयर कहेंगे इसका मतलब ये कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो कौन से हैं इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं तो ये आपने जहन में रखना है कि जो पॉजिटिव है वैसे इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं इसको ओमेगा इसको ओमेगा स्केयर भी कह सकते हैं लेकिन एक जनरलाइज चीज़ जो यूज़ हो रही है बुक्स में उसमें पॉजिटिव साइन वाले को ओमेगा और जो नेगेटिव है उसको ओमेगा स्केयर अब इसकी रीज़न क्या है कि इसको हमने ओमेगा और वो ओमेगा स्केयर क्यों कहा तो इसकी रीज़न अभी जो अगला मेरा लेक्चर होगा उसमें बताऊँगा कि इसको क्यों कहा गया बहरहाल थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ इसका अगर स्केयर लिया जाए तो ये आ जाता है अगर आप इस रूट का स्केयर लें तो ये आंसर आ जाएगा और अगर इस रूट का स्केयर लें तो ये आंसर आ जाएगा यानी दोनों एक दूसरे का ये स्केयर है तो इसलिए एक को अगर मेगा कह लें तो दूसरा ओमेगा स्केयर हो जाएगा तो इस वजह से इसको मेगा स्केर किया गया है तो इसका प्रूफ जो है वो आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको इसके एक्सप्लेनेशन मज़ीद आपको मिल जाएगी कि मेगा और मेगागा स्केर यानी एक महंगा तो दूसरों को स्केर क्यों कहा गया उसकी रीज़न मज़ी मजीद जो है वो भी आपको मिल जाएगी तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गया कि वन या यूनिट की जो क्यूब रूट है वो कैसे फाइंड करने हैं तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा तो इसकी प्रैक्टिस करें जी स्टूडेंट्स अभी हमने वन जो है उसके क्यूब रूट निकालना सीखे हैं अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है जिसमें हम मुख्तलिफ नंबर्स आपको दिए गए हैं उसके क्यूब रूट्स हमने फाइंड करने हैं तो उसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन जो है टू पॉइंट टू का इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस वन अब माइनस वन जो है वो उसके क्यूब रूट हमने मालूम करने हैं तो वो क्या होंगे तो सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है तो उसमें मैंने कोई चेंज नहीं की सिर्फ एक छोटी सी चेंज है और बाकी तकरीबन क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मिलता ही जुलता है तो माइनस वन के हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो पहले तो हम इसका लेट करेंगे कि जो माइनस वन के क्यूब रूट है उसको हम सपोज कर लेते हैं वो एक्स के इक्वल है तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस वन तो माइनस वन का जो क्यूब रूट है वो हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल अब बाकी प्रोसीजर वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था अब हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे वन ओवर थ्री माइनस वन की पावर और फिर टेकिंग क्यूब वन ओवर थ्री को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा आपको so तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे भी पावर थ्री ले ली और इसकी पावर भी थ्री ले ली तो ये एक्स की पावर थ्री आ जाएगा और ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा इससे पिछला जो क्वेश्चन हमने वन के क्यूब रूट लूम किया था वहाँ पर तो ये प्लस वन आया था यानी वहाँ पर ये आया था प्लस वन तो इधर आके ये माइनस हो गया था अब यहाँ पे ये माइनस वन है तो यहाँ पे आगे इस तरफ आके क्या हो जाएगा ये प्लस वन आएगा तो इतना का फर्क पड़ा बाकी प्रोसीजर इसका वही है तो अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे एक्स का क्यूब और वन को लिख सकते हैं वन का क्यूब इज इक्वल टू जीरो अब हमारे पास ये जो चीज़ बन रही है तो अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि अगर प्लस नेगेटिव साइन हो तो फिर फार्मूला किसके इक्वल है अगर इधर प्लस हो तो फिर किसके इक्वल है तो इधर प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा और जो इनका स्केयर है वो पॉजिटिव अब इधर माइनस है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है अगर इधर प्लस है तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा तो अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म फिर फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर और माइनस दोनों का प्रोडक्ट एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ जाएगा अब ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जीरो है तो अब हम इनको अलग अलग जीरो के इक्वल ले लेंगे या ये फैक्टर ज़ीरो है या ये फैक्टर ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो के इक्वल लिया तो वन होते जाके माइनस वन हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू एक हमने फाइंड कर ली और इसी तरह ये जो इक्वेशन है ये ज़ीरो के इक्वल हमने इसको ले लिया तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई अब एक्स की जो वैल्यू है यानी एक क्यूब रूट हम माइनस वन का एक क्यूब रूट माइनस वन होता है वो फाइंड कर लिया अब हम इसके दूसरे रूट्स नॉम करने के लिए इसको सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन से ये नहीं होगी कंप्लीटिंग uh, स्केयर से इसको कर सकते हैं लेकिन हम इसको फार्मूले से जो है वो करेंगे तो अब इसमें ए की वैल्यू वन और एक्स का कोफ़िशेंट माइनस वन है तो बी की वैल्यू माइनस वन है और पिछले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे प्लस था बाकी यही क्वेश्चन थी तो अब माइनस वन की वजह से थोड़ी सी चेंज आनी है वो देख लें फार्मूला वही है तो माइनस ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दो ब्रैकेट में लिख दी प्लस माइनस बी का स्केयर तो माइनस वन का स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए माइनस और ये दोनों साइन सेम uh, है मल्टीप्लाई होते वक्त तो जब साइन सेम हो रूल नंबर टू मल्टीप्लिकेशन का तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस वन का जो स्केयर है वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि स्केयर वाली टर्म जब स्केयर लेते हैं तो ऑलरेडी उसका जो क्या कहते हैं हमेशा जो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा तो फोर इंटू वन इंटू वन फोर आ जाएगा तो अब सिर्फ यहाँ पे साइन का एक फर्क पड़ा जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे उसमें माइनस था यहाँ पे प्लस है बाकी इसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आया तो ये सेम उसी तरह चलता जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा तो अब अगर तो इसको एरोटा की फॉर्म में लिखना है तो उस तरह भी कन्वर्ट किया जाता है अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तो अब इसके दो रूट्स निकलाए एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ अच्छा अब वन के जो क्यूब रूट है वो ये है वन ओमेगा और ओमेगा स्केल अब इसका जरूर डिफरेंस देखें क्या है इन दोनों में ये पहला रूट है हमारा ये दूसरा निकला है तो इसमें साइन जो है वो डिफरेंट है ये माइनस वन है उधर और इधर प्लस वन है तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसको माइनस जो है वो कामन ले लेते हैं इनमें से माइनस कामन लिया तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा तो कामन लेने से जो है वो साइन माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर हर हाँ टर्म का साइन जो है वो पहले से अपोजिट हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस होगा वो टू इसी तरह इसमें भी हम माइनस ले लेते हैं कॉमन तो ये प्लस वन है तो माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा स्के रूट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी वो वैसे हो जाएगा अब जरा गौर करें कि ये जो रूट है ये कौन सा रूट निकला जो हमारा एक्चुअल जो स्टैंडर्ड रूट हमारे निकले हैं वन के अगर पॉजिटिव साइन है जैसा कि ये इसको कंपेयर करें इसका मतलब ये कि ये किसके इक्वल है ओमेगा के तो ये नेगेटिव साइन ये आ जाएगा और ये चीज़ हमारी किसके इक्वल होती है ओमेगा यानी इस रूट को हम आम हमेशा ओमेगा का नाम देंगे तो माइनस ओमेगा हो गया और इस रूट को अगर कंपेयर करें तो ये चीज़ इसके साथ देखें इसको मैच करें तो सेम है तो इस रूट का नाम हमने ओमेगा स्केर रखा हुआ है इसका मतलब ये जो वैल्यू माइनस काम लेने से अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गई ओमेगा स्केर के और नेगेटिव साइन उसी तरीके से अब इट मीनस के यहाँ पे जो x की दो वैल्यूज निकली हैं एक ये निकली है और एक ये निकली है तो अब इसके हमने एक वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं तो इसके अब रूट्स लिखते हुए तीन रूट्स जो है हम फाइंड कर चुके हैं अब वो कैसे लिखेंगे हैं क्यूब रूट ऑफ माइनस वन आर अब माइनस वन के क्यूब रूट कौन से होंगे एक तो ये माइनस वन निकला है तो यहाँ पे माइनस वन चूँकि वो ऑलरेडी वन के लिखे हुए थे इसलिए वो माइनस नहीं लगाया हुआ था मैंने तो माइनस वन आ गया पहला रूट और दूसरा रूट कौन सा है ये वाला इनमें से जो मर्जी आप पहले लिख सकते हैं चाहे ये लिख लें चाहिए ये लिख लें तो पहले मैंने ये लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन वाला और फिर मैंने नेगेटिव साइन वाला तो तीन क्यूब रूट जो है वो हमने फाइंड कर लिए माइनस वन के अगर आप इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये माइनस वन इसका फर्स्ट रूट और इसको हम क्या ले सकते हैं ये ओमेगा के इक्वल है तो माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्केर जो अभी मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको किया तो अब देखें कि इसके रूट्स कौन से निकले माइनस वन निकला है माइनस ओमेगा निकला है और माइनस ओमेगा स्केयर तो ये माइनस वन के जो क्यूब रूट्स है वो हमने फाइंड कर लिए तो अभी आपने देखा कि जिस नंबर के भी आपने रूट्स फाइंड करने हो तो बेसिकली जो मेथड है वो सेम है तो यही प्रोसीजर आपने अडाप्ट करना है डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एट अब एट जो है इसके हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं बिल्कुल सेम वही पैटर्न वही प्रोसीजर जो आपने वन और माइनस वन के लिए किया है तो हम सपोज कर लेंगे कि जो एट का क्यूब रूट है वो किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है अब वही स्टेप जो हम पहले कर चुके हैं ये इसको एक्सपाइनेशियल uh, फॉर्म में लिख लें वन ओवर थ्री आ जाएगा इंडेक्स थ्री है तो वन ओवर थ्री अब ये थ्री ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे इधर भी क्यूब लिया इधर भी क्यूब लिया ये क्यूब क्यूब से कैंसिल तो एट आ जाएगा और ये एक्स क्यूब आ जाएगा अब एट इधर आगे माइनस एट हो जाएगा अब हम मजीद इसको लिख सकते हैं एक्स को एक्स क्यूब को एक्स का क्यूब लिख सकते हैं और एट को हम टू का क्यूब जो है वो लिख सकते हैं अब देखें कि ये भी क्यूब वाली आगे टर्म ये भी क्यूब बीच में माइनस है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा इसमें तो इसके मुताबिक फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फिर आगे क्या आएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर फिर सेकंड का स्केयर और प्रोडक्ट इनका क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी अगर इधर माइनस है तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्स माइनस टू एक्स का स्केयर लिया तो एक्स स्केयर आ गया प्लस इसको मल्टीप्लाई किया टू एक्स आ गया और टू का स्केयर लिया तो फोर आ गया अब ये फैक्टर और ये फैक्टर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो इट मीन्स के x माइनस टू इज एकल टू जीरो और एक्स स्केर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज एकल टू जीरो अब यहाँ से x की वैल्यू माइनस टू जाकर प्लस टू आ जाएगी तो x की एक वैल्यू निकल आई तो इसका मतलब ये कि एट का जो क्यूब रूट था वो एक रूट हमारे पास निकला है वो है टू अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से और हमारे पास दो रूट्स जो है वो और निकलाएँगे तो ये इक्वेशन लिखी इसमें ए बी सी की वैल्यू मैंने निकाल ली आप फार्मूला लिख के उसी तरह आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज जो आपने टू पॉइंट वन की हुई है ए सॉरी वन पॉइंट वन और वन पॉइंट टू में आपने फार्मूले से इसको सिंपलीफाई किया हुआ उसी पैटर्न पे आपने इसको कर लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए तो ए बी सी की वैल्यू इसमें फाइंड पुट कर दी मैंने तो ये माइनस टू आ जाएगा और टू का स्क्वायर फोर और इसको मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटीन आ जाएगा अब फोर माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व आ जाएगा अब देखो स्केयर रूट के अंदर फिर नेगेटिव साइन आ गया इसका मतलब कि इसका डिस्क्रिमिनेट जो है वो नेगेटिव है अगर उससे देखा जाए तो उसके रूट जो है वो कम्पलेक्स निकलेंगे यानी स्केयर रूट के अंदर माइनस साइन खत्म नहीं होगा अब मजीद हम इसको ले सकते हैं फोर इंटू माइनस थ्री चूँकि इसके फैक्टर बन सकते हैं ट्वेल्व के तो फोर का स्केयर रूट अलग कर दिया और माइनस थ्री का अलग कर दिया अब ये बाकी टर्म उसी तरह लिख देनी है और फोर का स्केयर रूट क्या आ जाएगा स्केर ए, फोर का स्केयर रूट जो है वो टू आ जाएगा और ये सेम उसी तरीके से तो ये एक्स की हमारे पास दो वैल्यू जो वो है वो निकल आई हैं अब थोड़ा सा इसको सिम्प्लीफाई करना है टू और टू जो है वो कॉमन लिया जा सकता है तो नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया है इसमें से टू कॉमन ले लिए टू कॉमन लेने से यहाँ पे माइनस वन बात जाएगा और इधर से टू कॉमन लिया तो वन और वन अंडरस्टूड है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो वो लिखा नहीं जाएगा तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यू निकल आई अब एक पॉजिटिव साइन के साथ एक वैल्यू मैंने अलग कर दी और एक नेगेटिव साइन के साथ जो है वो एक वैल्यू अलग कर दी यानी प्लस माइनस को अलग अलग कर दिया हमें तो एक्स की दो वैल्यू निकली है अब मैंने इसमें से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये रूट जो है वो हमारा जो वन के क्यूब रूट जनरल रूट हमने निकाले हुए हैं तो ये पॉजिटिव जो है इसको हम ओमेगा का नाम देते हैं और ये टू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ये जो टू है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रूट ओमेगा के इक्वल है तो ये टू ओमेगा हो जाएगा इसी तरह ये रूट जो नेगेटिव साइन वाला है ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है तो इसकी जगह ओमेगा स्केयर पुट कर दिया और टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब हमने एट जो है इसके क्यूब रूट फाइंड कर लिए हैं तो टू ओमेगा और टू ओमेगा स्केयर ये दो रूट्स ये है और एक रूट हमने ये निकाला हुआ है तो तीनों को कंबाइन करके आपने लिख देना है हैंस क्यूब रूट्स ऑफ एट आर टू टू ओमेगा एंड टू ओमेगा स्केर अब देखें कि यहाँ पे मैंने अब आपको तीन क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं जिसमें आपने किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर फाइंड करने हैं तो उसका प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो उम्मीद है कि आपको ये जो आज का कंसेप्ट है क्यूब रूट फाइंड करने का वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो एक्सरसाइज में मज़ीद दो क्वेश्चन और दिए हैं तो आपने उनकी खुद प्रैक्टिस करनी है एक माइनस ट्वेंटी सेवन और एक 64 यानी इन दोनों के हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो सेम इसी पैटर्न पे आप जैसे मैंने ये 8 लिख के आपको करके दिए इसी तरह माइनस ट्वेंटी और 64 के साथ भी आपने इसी तरह जो है वो फाइंड कर लेना है अगर कहीं प्रॉब्लम पेश आए तो कमेंट्स में उसका इज़हार कीजिए तो मैं इन जो है वो रिप्लाई करूँगा तो अगर ए, ए, एंड में रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें शुक्रिया अल्लाह हाफ़ि